नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि ब्रेन का ब्लड सप्लाई किस तरह से होता है, उसका दूसरा जो नाम होता है या जो दूसरे रूप में प्रश्न आता है। तो पहला तो डायरेक्ट प्रश्न होता है कि ब्लड सप्लाई या ब्रेन के नाम से आता है, या हो सकता है कि इसका दूसरा हेडिंग हो सकता है सर्कल ऑफ विलिस, सर्कल ऑफ विलिस के नाम से हो सकता है, या तीसरा नाम हो सकता है सर्कुलस आर्टेरियोसस। तो तीनों अगर नाम पूछे तो कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई या ब्रेन पूछ रहा है। चाहे आप सर्कल ऑफ विलिस पूछे अर्थात जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है, या सर्कुलस आर्टेरियोसस, सर्कुलस आर्टेरियोसस ये भी पूछे तो कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई या ब्रेन देखेंगे। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो ब्लड सप्लाई या ब्रेन हो, या ब्लड सप्लाई या किसी भी पार्ट की हो, कहीं ना कहीं किसके थ्रू होगा, वो आर्टरी के थ्रू होगा। तो पहले देखते हैं कि ब्रेन की ऐसी कौन सी आर्टरी जो हार्ट से वो ब्रेन की तरफ बढ़ती है, जिसको हम लोग उस तरह से ब्रेन की ब्लड सप्लाई होती है उससे। तो यहाँ देखेंगे आर्टरीज ऑफ ब्रेन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आर्टरी ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन की आर्टरी कौन कौन सी है देखेंगे। आर्टरी ऑफ ब्रेन, आर्टरी ऑफ ब्रेन अर्थात कौन कौन सी आर्टरी है जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेंगी। तो यहां पर हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले नंबर वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी इसकी संख्या होती है दो। यहाँ पर देखेंगे दूसरी जो आर्टरी होती है उसको बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिडी, इसकी भी संख्या दो होती है। तो देखेंगे वर्टिब्रल आर्टरी होती है इसकी संख्या दो होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है इसकी संख्या दो होती है। अब यहाँ देखते हैं कि जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है वो ब्रांच किसकी होती है, ये जानना जरूरी है। तो ये ब्रांच है किसकी, किसकी ब्रांच है ये, तो देखेंगे ये है सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी। चाहे ये वर्टिब्रल आर्टरी दो होती है, राइट एंड लेफ्ट होती है, राइट और लेफ्ट कहीं ना कहीं राइट एंड लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच होती है वर्टिब्रल आर्टरी, या इसको इस तरह से एरो दे देंगे, ये ब्रांच किसकी है वर्टिब्रल आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच होती है। उसी तरह से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है तो कहीं ना कहीं ये किसकी ब्रांच है इसको देखेंगे, ये किसकी ब्रांच है तो इसको देखेंगे तो ये कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। तो ये किसकी है, कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। तो यहाँ पर भी राइट एंड लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी होती है, राइट एंड लेफ्ट, और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी राइट एंड लेफ्ट होती है। तो उसी हिसाब से राइट साइड की कैरोटिड आर्टरी राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाएगी, और लेफ्ट साइड की जो कैरोटिड आर्टरी होगी लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाएगी। अब यहाँ पर हम लोग जब इस तरह से बात की है कि वर्टिब्रल आर्टरी या फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रांच कहाँ होती है, तो इसको एक बार हम लोग देखते हैं कि ये ब्रांच किसकी होती है, सब क्लेवियन आर्टरी हो चाहे कैरोटिड आर्टरी हो, इसकी किसकी ब्रांच होती है, जिसको देखते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि हार्ट से एओर्टा अराइज होता है, तो हम लोग देखते हैं आर्च ऑफ एओर्टा का फॉर्मेशन होता है, आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा का फॉर्मेशन हुआ। आर्च ऑफ एओर्टा पर जो पहली ब्रांच थी, जो राइट साइड में जो पहली ब्रांच थी, उसको ब्रैकोसिफेलिक ट्रंक का नाम दिया गया, ब्रैकोसिफेलिक ट्रंक। फर्दर जो होती है सब क्लेवियन आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, और ऊपर की तरफ राइट कैरोटिड आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, और फिर देखेंगे यहाँ सब क्लेवियन आर्टरी जो लेफ्ट साइड की होती है, सब क्लेवियन आर्टरी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर तीन एओर्टा की ब्रांच होती है, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। नंबर एक क्या था, नंबर एक आपका है एक तरह से ब्रैकियोसिफेलिक ट्रंक, इसको नाम देंगे बीटी, ब्रैकियोसिफेलिक, बीसीटी, ब्रैकियोसिफेलिक ट्रंक है। ब्रैकियोसिफेलिक ट्रंक कन्वर्ट हो गया किसमें, जो राइट राइट सबक्लेवियन, सबक्लेवियन आर्टरी, और ये क्या था राइट कैरोटिड आर्टरी, ये राइट कैरोटिड आर्टरी। बाकी लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये क्या है, लेफ्ट लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, और ये क्या है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। तो ये हो गया,
एक तरह से यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं देखेंगे यहाँ सब क्लेवन आर्टरी की जो ब्रांच थी वो वर्टिब्रल आर्टरी थी, और यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, जब कैरोटिड आर्टरी ऊपर की तरफ बढ़ेंगी तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक कुछ इस तरह से। तो देख रहे होंगे जो दोनों इनर साइड में है उसको इंटरनल बोलेंगे, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये वाले पार्ट है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये है आगे चलकर क्या बनाएंगी, इंटरन एक तरह से आर्टरी ऑफ द ब्रेन, अर्थात तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई में हेल्प करेंगी। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने इंजनल पढ़ लिया, अब देखते हैं कि वर्टिब्रल आर्टरी का फॉर्मेशन या उसका क्या ब्रांचेज होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये देख लिया हम लोगों ने कि आर्टरी ऑफ द ब्रेन क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी दो होती है, राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी होती है, और कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांचेज होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब हम लोग देखेंगे वर्टिब्रल आर्टरी के बारे में, क्योंकि हम लोग को दो आर्टरी देखना है, वर्टिब्रल आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी। तो देखेंगे यहाँ पर वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी के बारे में। तो वर्टिब्रल आर्टरी जैसा कि पता है ये ब्रांच होती है किसकी, सब क्लेवियन आर्टरी की। तो हम लोग देखते हैं कि वर्टिब्रल आर्टरी जैसा कि वर्टिब्री होती है हम लोग की, बैक की बोन की और वर्टिब्री होती है, उसमें प्रोसेस होते थे तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फोरामेन ट्रांसवर्सरियम। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, पीछे साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है, वहाँ पर जो प्रोसेसेस होते हैं उसी प्रोसेसेस के साइड से, मान लीजिए ये कहीं ना कहीं आपका वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के साइड में जो है प्रोसेस होते हैं, तो प्रोसेस ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस से जो ट्रांसवर्स होते हैं उसमें एक ओपनिंग होती है, हर एक ट्रांसवर्स प्रोसेस से वर्टिब्री की ओपनिंग होती है, इसी के साइड से वर्टिब्रल आर्टरी चलती है। मतलब ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, इसके प्रोसेस हो गया, इसी के साइड से प्रोसेस से होते हुए ये ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो दोनों देख रहे हो राइट एंड लेफ्ट जो वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर की तरफ जा रही है, अर्थात ऊपर की तरफ जाएंगी ब्रेन में, मतलब ब्रेन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम क्या है, पोस्टरली प्लेस्ड होता है। तो यहाँ देखेंगे वो स्ट्रक्चर किसके थ्रू पास होती है, तो उसको बोलते हैं फोरामेन ट्रांसवर्सैरियम, फोरामेन ट्रांसवर्सैरियम। तो वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है वर्टिब्री के फोरामेन ट्रांसवर्सैरियम के थ्रू ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर की तरफ बढ़ेंगी तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये दो आपके एक तरह से दो वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, दो वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, दोनों ऊपर आर्टरी बढ़ने के बाद ये क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है। तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगी, फिर आगे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी, कन्वर्ज हो गई। तो ये हम लोग नाम भी लिखते चलेंगे, ये दोनों क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी, ये है वर्टिब्रल आर्टरी और ये भी है वर्टिब्रल आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी है। ये जब दोनों यूनाइट होते हैं, यूनाइट होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर यूनाइट होने के बाद एक कॉमन स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड बेसिलर आर्टरी। तो ये जो दोनों वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, जब यूनाइट होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज कॉल्ड बेसिलर आर्टरी, बेसिलर आर्टरी। तो राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी पीछे से जब ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, दोनों ऊपर एक साथ चल रहे थे, दोनों ऊपर चल रहे थे, दोनों यूनाइट होने के बाद एक कॉमन स्ट्रक्चर्स बना देंगे कुछ इस तरह से, दोनों यूनाइट हो गए, तो दोनों यूनाइट इस तरह से हो गए, यूनाइट होने के बाद एक कॉमन एक तरह से आर्टरी बना देते, दैट इज कॉल्ड बेसिलर आर्टरी। देख रहे हैं ये आपके दोनों वर्टिब्रल आर्टरी है, ये एक जगह यूनाइट हो गए और ये बेसिलर आर्टरी बन गए। बेसिलर आर्टरी की यहाँ बीच बीच में कई ब्रांचेज होती है, इसका नाम तो हम नहीं देंगे यहाँ पर, यहाँ पर बीच बीच में ब्रांचेज होती है, इसकी लास्ट ब्रांच होती है कुछ इस तरह से पीछे की तरफ आती है। देखेंगे लास्ट ब्रांच, इसको टर्मिनल ब्रांच बोलते हैं इसको, तो ये ब्रांच का नाम क्या है, इसको नाम देते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो लास्ट टर्मिनल ब्रांच जो होती है बेसिलर आर्टरी की, इसका नाम देते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इसको भी देंगे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो ये
हम लोग को ध्यान रखना है कि जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है उससे दोनों यूनाइट होकर बेसलर आर्टरी बनाती है। बेसलर आर्टरी के बनने के बाद इसकी जो लास्ट टर्मिनल ब्रांच है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इनको याद रखना है, तो क्योंकि हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पर फिर देखेंगे कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कुछ इस तरह से, और अब यहाँ पर साइड में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में देखते हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जैसा कि देखेंगे जो कैरोटिड आर्टरी यहाँ से हर्ट से अराइज होने के बाद, हर्ट से अराइज होने के बाद दोनों क्या है कि यहाँ पर यहाँ दोनों साइड से जा रहे हैं और ये दोनों फिर बाइफर्केट हो जाते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल में। तो यहाँ पर दोनों फिर से एक एक साइड में दो दो हो जाते हैं, तो यहाँ दो हो गए, यहाँ दो दो हो गए। तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमें उसी से मतलब है, दोनों साइड के इंटरनल कैरोटरी अब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। कैरोटिड आर्टरी ऊपर बढ़ रहे थे, दो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटरी में हम लोग को काम लेना है सिर्फ इंटरनल से। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इसकी तरफ से बढ़ेंगे अंदर की तरफ, गले से होते हुए बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद क्या करते हैं कि ये एक तरह से ऑप्टिक कैनाल, एक तरह से ऑडिटरी कैनाल के थ्रू, एक कैनाल थ्रू उसको एंट्री करते हैं, उसके थ्रू कहीं ना कहीं वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और फोरा, एक तरह से किसके थ्रू जाएंगे तो देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एक तरह से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किससे अराइज हो रहे हैं, देख रहे होंगे कैरोटिड आर्टरी से, देखेंगे कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी से फिर ऊपर, मतलब ये हम लोग नीचे दिखा रहे हैं लेकिन ये ऊपर सिक्वेंस जाएगा। कैरोटिड आर्टरी से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहाँ से जाएगा, पास होगा एक तरह से ये एक तरह से पास होता है कैनाल में, इसका नाम है आपका ऑडिटरी कैनाल, इसका नाम है ऑडिटरी, ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल है कैनाल, ऑडिटरी, ऑडिटरी कैनाल इसको इधर लिख देंगे। और ऑडिटरी कैनाल के बाद ये किस में एंट्री करते हैं, फोरामेन लेसरम, फोरामेन लेसरम, फोरामेन लेसरम के थ्रू ये किस में एंट्री करते हैं, कैवर्नस साइनस में। फोरामेन लेसरम के थ्रू किस में एंट्री करते हैं, कैवर्नस साइनस, कैवर्नस साइनस में एंट्री करने के बाद ब्रेन के बेस में, अर्थात ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेन के बेस में पहुंचकर वहां पहुंच जाते हैं। तो यहां पर पहुंच जाएंगे, तो हम लोग इसको अब दोनों को एक साथ देखेंगे किस तरह से ये सर्कल ऑफ ब्लिस का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ से ऑडिटरी कैनाल में एंट्री करते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑडिटरी कैनाल में एंट्री करने के बाद फोरामेन लेसरम में एंट्री करते हैं, फोरामेन लेसरम के थ्रू होते हुए कैवर्नस साइनस से होते हुए ब्रेन में एंट्री कर जाते हैं। अब देखते हैं दोनों को एक साथ किस तरह से हम लोग का सर्कल ऑफ ब्लिस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ बनाएंगे हम लोग सर्कल ऑफ विलिस। तो हम लोग शुरुआत करेंगे वर्टिब्रल आर्टरी से ही। तो यहाँ देख रहे हैं नीचे साइड में दोनों वर्टिब्रल आर्टरी हैं, दोनों वर्टिब्रल आर्टरी कहीं ना कहीं ये एक तरह से कन्वर्ज हो गए। कन्वर्ज होने के बाद इसको हम लोगों ने बना दिया बेसिलर आर्टरी में, ये है बेसिलर आर्टरी, ठीक, बेसिलर आर्टरी। तो इसको लिखते भी चलेंगे हम लोग, ये दोनों कौन से हैं आपके, वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी है, ये दोनों कन्वर्ज हो गए। कन्वर्ज होने के बाद क्या बन गया, बेसिलर आर्टरी, बेसिलर आर्टरी में कन्वर्ज बदल गया। अब ये बेसिलर आर्टरी कई ब्रांचेस निकालती है, हम लोग को मेन टर्मिनल ब्रांचेस से मतलब होता है। तो यहां पर देखेंगे टर्मिनल ब्रांचेस किस तरह से होंगी, ये पीछे की तरफ आएंगी, पीछे की तरफ आएंगी, और इसका नाम देंगे क्योंकि ये पीछे की तरफ आएंगे तो इसलिए पोस्टीरियर, क्योंकि मान के चलिए कि ये पीछे ऑलरेडी है, पीछे की जब इसकी टर्मिनल ब्रांचेज होंगी तो वो पीछे की तरफ जा रही हैं, पीछे की तरफ, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बन रहा है तो ये पीछे की तरफ जा रही हैं, जिसका नाम क्या होगा, इसको नेंगे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो ये नाम है आपका पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, तो इससे हमें मतलब है। तो ये हो जाएगा राइट एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जिस तरह से राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में, दोनों एक दूसरे के राइट लेफ्ट में हो जाएंगे। फिर यहाँ देखेंगे, ये तो वर्टिब्रल वाला पार्ट हो गया, फिर कैरोटिड वाला पार्ट देखते हैं। कैरोटिड आर्टरी एक तरह से नीचे से
वो हम लोग का जो लेबल है वो नीचे से यहाँ से ये एराइज होती है, यहाँ से आई कैरोटिड आर्टरी दोनों राइट एंड लेफ्ट पार्ट जो हम लोगों ने कहा था कि रूट क्या था कि वो ऑडिटरी कैनाल से होते हुए वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑडिटरी कैनाल से होते हुए कहाँ पर एंट्री करती हैं, फोरामेन लेसरम में एंट्री करती है, फोरामेन लेसरम के थ्रू कहीं ना कहीं कैवर्नस साइनस के थ्रू ये ब्रेन के बेस पे आ जाती है। ये कुछ इस तरह से समझेंगे कि ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हुए ब्रेन का जो ये ब्रेन वाला पार्ट होता है उसके बेस होता है उसके बेस पे इस तरह से जाके यहाँ पर ब्रेन में अंदर की तरफ चली जाती है। तो दोनों का पॉइंट दिखाई देगा जब हम लोग ऊपर से देखेंगे, जब ऊपर से देखेंगे तो दोनों का पॉइंट दिखाई देगा, तो यही पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। अब इसकी ब्रांचेज होगी, इसकी ब्रांचेज कुछ इस तरह से हैं, देखेंगे ये इसकी ब्रांचेज आगे की तरफ जब बढ़ेगी, क्योंकि ये इधर क्या है देखेंगे, इधर एंटीरियर है और पीछे पीछे की तरफ क्या है पोस्टीरियर है, इधर एंटीरियर इधर पोस्टीरियर है, क्योंकि इधर वर्टिब्रल आर्टरी है तो वर्टिब्रल कॉलम था, आगे की तरफ एंटीरियर था क्योंकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी था। तो यहाँ पर देखेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो गई, इसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये नीचे से कुछ इस तरह से आई है, नीचे से कुछ इस तरह से आई है, हम इसको दिखा सकते हैं या ये कुछ इस तरह से इंटरनल कैरोटिड नीचे से यहां पर पॉइंट के रूप में आई है। इसकी ब्रांच होगी जो कि आगे की तरफ बढ़ेंगी, तो इसकी ब्रांच है देखेंगे दोनों से आगे की तरफ ब्रांच आगे बढ़ रही है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। इसका नाम क्या है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, तो राइट एंड लेफ्ट हो जाएगा ये भी, राइट और लेफ्ट। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो होती है इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर देखेंगे यहाँ से अब देखेंगे इन दोनों को कनेक्ट करने वाला, मीन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और जो इसका जो एक तरह से वर्टेब्रल आर्टरी का बेसिलर आर्टरी था, बेसिलर आर्टरी का टर्मिनल ब्रांच था पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मीन्स इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से एक ब्रांच आती है पीछे की तरफ, एक ब्रांच आएगी पीछे की तरफ जो इसको कनेक्ट करेगी, ये कनेक्ट कर दिए। तो ये ब्रांच किसकी है, ये ब्रांच जो आई है इधर से इधर, ये ब्रांच है आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, तो इसका नाम दे देंगे ये वाला पार्ट, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट, राइट लेफ्ट दोनों है। यहाँ पर देखेंगे अब ये जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी किसके थ्रू जुड़ गई है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू, लेकिन ये ब्रांच किसकी है, ये ब्रांच है आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, तो ये इसको नाम देंगे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी नाम देंगे, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड में जा रही है, ब्रांच किसकी है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, तो यहाँ देखेंगे ये इसका नाम है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये भी राइट एंड लेफ्ट होगा जैसा कि देख रहे हैं, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों है। अब देखेंगे यहाँ पर जो दोनों एंटीरियर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी थी वो क्या करेंगे, ये भी दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, इसको बोलेंगे एक्चुअली ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के आगे है और ये कनेक्ट कर रही है तो कम्युनिकेटिंग आर्टरी होगी, लेकिन ये इसके आगे है तो इसलिए इसका नाम होगा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इसका नाम होगा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये भी क्या होंगे, राइट और सॉरी इसमें राइट लेफ्ट नहीं है, एक ही है, तो इसको भी हम ब्रैकेट में कर देते हैं। और साथ ही साथ एक यहाँ पर जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसकी एक साइड में लेटरल में ब्रांच निकलेगी, दैट इज कॉल्ड मिडिल मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, तो यहाँ से एक साइड में ब्रांच निकलती है, इसका सर्कम्फेरेंस से कोई रोल नहीं है, इसको नाम देते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, तो इसका नाम क्या हो गया, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। तो देखेंगे मिडिल सेरेब्रल आर्टरी राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में है, जो कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड में जाएगा।
ठीक है, उससे कोई मत इससे हमें विशेष मतलब नहीं है सर्कम विलिस। अब यहाँ देखेंगे एक सर्कल का फॉर्मेशन हो गया है, तो हम लोगों ने देखा कि एक सर्कल का फॉर्मेशन हुआ है। तो सर्कल सर्कल क्या है, हेक्सागोन, एक हेक्सागन का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये क्या है, हेक्सागन, हेक्सागन अर्थात सिक्स आर्म हो गए, जिसके जिसमें दो आर्म किसके थ्रू है, एक तरह से पोस्टी वर्टिब्रल आर्टरी के वेसिलर वाले पार्ट के पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। तो वर्टिब्रल आर्टरी से सिर्फ हेक्सागन जो फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर इसको रिवाइज कर लेंगे हम लोग, जो हेक्सागन फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ इस तरह से हेक्सागन कहीं ना कहीं फॉर्मेशन हो रहा है, लगभग हेक्सागन फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां देख रहे होंगे ये वाली आर्टरी किसकी थी, ये वाली आर्टरी की थी, ये तो ये नीचे से है बेसिलर, बेसिलर जो है वर्टिब्रल आर्टरी। तो यहां पर कुछ इस तरह से फॉर्म हो गया, इसको देखेंगे, ये है आपकी वर्टिब्रल आर्टरी, ये है बेसिलर आर्टरी, ये है आपकी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी PCA। और ये क्या थी, यहाँ पर क्या थी, हम लोगों ने देखा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कि देखा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच जो कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को जोड़ने के लिए यहाँ पर आती है, दैट इज कॉल्ड, इसको बोल देंगे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी PCA। यहाँ पर क्या था, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये क्या है PCA, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से देख रहे होंगे आगे की तरफ एक सेरेब्रल ब्रांच मिल जाती है, दैट इज कॉल एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, तो इसको नाम देंगे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो दोनों को कम्युनिकेट करता है, यहाँ पर भी होगा क्योंकि ये आगे की तरफ इस तरह से बढ़ जाएंगे, इन दोनों को कम्युनिकेट करने वाला यहाँ होगा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो कुछ इस तरह से हम लोग का सर्कल ऑफ विलिस का फॉर्मेशन होता है, ये ब्लड सप्लाई या ब्रेन होती है, और साथ ही साथ सर्कुलस आर्टेरियोसस का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। धन्यवाद।